हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। वैसे तो आपने गेहूं के आटे के बहुत सारे नाश्ते खाए होंगे, लेकिन गारंटी के साथ बता रहे ये नाश्ता खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और चटपटा होने के साथ साथ कम तेल का है, तो आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज की प्याज ली है, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं, आप प्याज हटा देना डियर। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर अपनी हम प्याज को ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिली ली है, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को हटा सकते हैं, अगर आप ज्यादा ग्रीन चिली नहीं खाते तो आप एक से डालना, ज्यादा मत डालना। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। और शिमला मिर्च में पाया जाता है बहुत सारा कैल्शियम, बच्चे वैसे तो शिमला मिर्च खाते नहीं, तो आप इसे नाश्ते में ऐड करके उनको छुपा के खिला सकते हैं। अब यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून तक डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते उतना डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून तक डालेंगे जीरा, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, लुक भी आएगा। 1 चम्मच तक हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप इसको कट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1/4 चम्मच डालेंगे हींग, जो फ्लेवर को बढ़ाने के साथ साथ नाश्ते को पचाने में मदद भी करेगी। और 1/2 टीस्पून तक हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने हरी मिर्च ज्यादा डाली इसलिए हमने लाल मिर्च की मात्रा को कम किया है। 1/2 टीस्पून तक हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और बिल्कुल 1 चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, ज्यादा हल्दी नहीं डालनी है। अब इसके बाद हम इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा चटपटा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। देखिए, मैंने 2 आलू लिए हैं, जो कच्चे आलू लिए हैं, ना उबालने का झमेला है, गैस की बचत, टाइम की बचत। तो यहाँ पे आलू आपको बड़ा लेना है, अगर आपका छोटा आलू तो आप 4 ले सकते हैं। वेट नहीं, हमारा 100 ग्राम आलू है दोनों। अब यहाँ पे हम ग्रेटर ले लेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो सबसे मोटा वाला भाग होता है इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ये मीडियम वाला और पतले वाले का नहीं इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से हम आलू को ग्रेट कर लेंगे, लंबा लंबा लच्छा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लंबे वाले लच्छे से निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा रेसिपी का। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट इसको पानी में डाल देंगे, ताकि ये काले ना पड़े। तो फ्रेंड, जैसे हमारा चावल निर्माण होता है, उसी तरीके से आलू में भी काफी ज्यादा स्टार्च होता है और इसे निकालना बहुत जरूरी है। तो आलू को हम 3 से 4 पानी अच्छे से मलमल के वॉश करेंगे, ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। और फिर इसको इस तरह से निचोड़ के हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ऐसा करने से हमारा नाश्ता काफी ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा और लच्छे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो चलिए, 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया, तो आलू बिल्कुल खिले खिले से हो गए हैं और लच्छे बिल्कुल सफेद सफेद से हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी साइज की गाजर लेंगे, अगर आपकी छोटी है तो आप 2 ले लेना। और गाजर को भी हम मोटे वाले ग्रेटर से फटाफट ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे गाजर से डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, लुक भी आएगा। तो ये देखिए, गाजर भी हमारी ग्रेट हो गई। अब ये जो हमने रखा था, इसमें सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से मिल गए हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले अपना आलू का लच्छा डालेंगे, और अब इसके अंदर हम गाजर को भी डाल देंगे, जो हमने इस तरह से ग्रेट करके ली है, और नाश्ता देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे चम्मच को हम साइड में रख देंगे। अब इसको हम हाथों से मिक्स करेंगे, ताकि सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से हमारे आलू के लच्छे के अंदर मिल जाए इस तरह से। अब इसको हम 2 मिनट का टाइम देंगे, ताकि सारे चीजें हैं वो आलू के साथ बिल्कुल अच्छे से मेल जोल बना ले। और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। चलिए, इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक बर्तन ले लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक नमक यानी सॉल्ट, 1/2 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच तक हम डालेंगे इसके अंदर चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चावल का आटा घर में कैसे बनाना है सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। अब दोनों चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर का पानी लिया, जो हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। एक साथ नहीं डालना, नहीं तो गुठलियां पड़ जाएंगी। और यहाँ पे हमें सिर्फ 1/2 गिलास पानी डालना है, ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इस तरीके से एक पतला सा बैटर बना लेंगे। अब इस बैटर को हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल आए। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रख देंगे।
तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 250 ग्राम गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। और आपको इसे छान के लेना है। छानते समय ख्याल ये रखना, बहुत ज्यादा मत छानना ताकि चोकर ना गिरे। हल्का हल्का सा जो बारीक आटा होगा उसी का इस्तेमाल करना है। तो वेट ने हमने बता ही दिया है, नाप में ये हमारा कम से कम एक बड़ी कटोरी है। अगर आपकी छोटी कटोरी है आपको दो लग जाएगी। यहाँ पे हम इसमें हाफ टी स्पून तक नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि हमारे आलू वाले मिश्रण में भी नमक है, तो इसीलिए हमें बैलेंस के साथ नमक के साथ काम करना है। चौथाई चम्मच लेंगे अजवाइन, जिसको इस तरह से मसल के डालेंगे। इससे अजवाइन बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो जाती है और दूसरी बात इसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल अच्छे से निकल कर आता है। अब इसमें हाफ टी स्पून तक हम ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, हल्का सा गर्म करके डालना, ठंडा मत डालना। अब सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे आटे के साथ, और यहाँ पे इस तरह से हल्के हाथों से मिलाना है और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखिए। अगर मुट्ठी बंद रही तो समझ जाइए आपका तेल सही पड़ा है। अगर बिखरा बिखरा सा इस तरीके से हो रहा है तो आपको थोड़ा सा ऑयल और डालना है। अब यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर का पानी लिया, ना ठंडा ना गर्म, और यहाँ पे हम मीडियम डो लगाएंगे। ना बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मसलते हुए आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मसलते हुए इस तरह से मैंने इसका आटा लगा लिया। इतना आटा लगाने में मुझे एक गिलास पानी में सिर्फ तीन हिस्सा इस्तेमाल हुआ, एक हिस्सा हमारा बच गया है। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, एक से दो बूंद, ताकि जो इसके ऊपर की लेयर है वो सूखे ना। और इसको कवर करके हम 5 मिनट का टाइम देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, तब तक ये फूल जाएगा। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, ये आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब इसको हम हल्का हल्का सा इस तरह से मसलेंगे ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए। और यहाँ पे हमें इसको गूंदने का कोई भी झंझट नहीं है क्योंकि हमने इसको 5 मिनट का रेस्ट दिया था। अब यहाँ पे हम आटे को 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे और इसके हम इस तरह से मोटे मोटे पेड़े ले लेंगे, ये देखिए। और इस तरह से हम इसके अंदर रखते जाएंगे और एक पेड़े के साथ हम काम करेंगे, दो को कवर करके रख देंगे। दो को मैंने इस तरह से रख दिया। अब एक हम लेंगे और इसको अच्छे से इस तरह से गोला बना लेंगे। और अब इसको हल्का सा प्रेस करते हुए थोड़ा सा हम सूखा चावल का आटा लगाएंगे, जिससे हमारा नाश्ता काफी ज्यादा कुरकुरा बनेगा। अब जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बराबर चारों तरफ घुमाते हुए बेलन को बेल लेंगे इसको। तो यहाँ पे गोल नहीं बनता तो कोई बात नहीं, बस कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, एक बराबर आपको बेलना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से बेल लिया है। यहाँ पे मैंने इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा, जितना हम रोटी को रखते हैं उतना ही रखना है। तो चलिए बाकी बची भी बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों बेल ली है। अब एक हम ले लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम थोड़ा सा 2 से 3 बूंद पानी डालेंगे रूम टेम्परेचर का, और इसको हम इस तरह से फैला लेंगे हल्का हल्का सा। आप ब्रश से भी फैला सकते हैं, लेकिन इस तरह से हाथ से फैलाएंगे तो चारों तरफ से फैल जाएगा। और अब हमारी जो स्टफिंग थी जो हमने इस तरह से बना के रखी थी कच्चे आलू की, इसको हम एक भाग को इसके अंदर डाल देंगे और 2 भाग को हम रख लेंगे। अब इस तरह से हम पूरे में फैला लेंगे और इसको हम बिल्कुल रोटी के बराबर रखेंगे किनारों को छोड़कर। इस बात का आपको ख्याल रखना है, किनारों पे नहीं आना चाहिए स्टफिंग। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने लगा दिया है। अब हम दूसरी लेंगे और इसके ऊपर कवर कर लेंगे और सेम पहले वाले की तरह थोड़ा सा पानी लेंगे 2 से 3 बूंद और इस तरह से डाल के हल्के हल्के से इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये चिपक जाए। और पानी जरूर लगाना, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, खुलेगा नहीं। अब इसके बाद हमारा जो ये बचा वाला मिश्रण था इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी हम इसी तरीके से फैला लेंगे जैसे हमने पहले वाला फैलाया था। बस ख्याल क्या रखना है कि हमारी जो स्टफिंग है वो किनारों पर नहीं जानी चाहिए। अब इसके बाद ये जो रोटी हमारी बची हुई है इसको भी हम इसके ऊपर रख देंगे और सेम पहले वाले की तरह थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे और इसको भी हम हल्का हल्का सा टैप टैप कर देंगे। अब जो हमारी स्टफिंग बची थी इसके ऊपर हम रखेंगे आखिरी। तो यहाँ पे देखिए रख लिया। अब हम एक भाग को उठाते हुए इस तरह से हम इसका रोल बनाएंगे और इस तरह से रोल को बनाने के बाद हल्का सा यहाँ पे फोल्ड कर देंगे और अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर करने से पहले आपको थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लेना है। चलिए बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस की तरफ आ गए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 3 से 4 गिलास पानी लिया है, फिर उसके बाद हमने स्टैंड रख दिया है। पानी जब बिल्कुल अच्छे से इस तरह से बॉईल हो जाएगा तब इसके अंदर हम इसको रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रख दिया। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट तक स्टीम करेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। उससे पहले आपको इसे टच करने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में खोल के देखने की गलती मत करना। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके इसे कुक होते, आइए खोल के देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे, गरम गरम नहीं छुएंगे नहीं तो हाथ जल जाएंगे। तो चलिए निकाल कर ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छुपा रहे हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने से पहले थोड़ा सा नाइफ पे ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लिया है। अब इसकी कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से करेंगे और देखिए वेजिटेबल कितने अच्छे से कुक हो गई है और इस तरह से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा इस तरह से कट करना है। तो चलिए फटाफट सारे कट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कट कर लिया। आप चाहे तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ। आपको अगर हेल्दी खाना है बहुत ज़्यादा तो आप ऐसे खाइए। और देखिए कितना प्यारा सा लुक आया और सब्जियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है रेसिपी। अब चलिए ये जो हमारा मिश्रण था इसको हम लास्ट बार फेंट लेंगे क्योंकि जो चावल का आटा होता है नीचे बैठ जाता है। अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो आगे गैस की तरफ, यहाँ पे मैंने पैन में तेल लिया है, मैं इसको सलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा चाहते हैं तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। अब ये जो घोल हमने बनाया था इसके अंदर हम इस तरह से डाल के चारों तरफ से कवर कर लेंगे और अब इसके अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ पे जो ये हम कोटिंग कर रहे हैं इसकी वजह से स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और इसको बहुत ही प्यारा सा लुक भी मिलेगा। तो एक बार में इतने ही डालना जितने की आपको पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आपके पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसमें 5 से 6 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 डाला है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक पकने देंगे, फिर उसके बाद टर्न करेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है इसे कुक होते हैं। अब इसको हम टर्न कर देंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, गोल्डन कलर। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट तक इसे पकने के बाद तब टर्न करना है, तुरंत ही नहीं टर्न करना है। ये देखिए अब इस तरह से हम दूसरे साइड से भी इसे 1 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको 2 मिनट का टाइम लगता है पकने में और ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है, ये देखिए दूसरे साइड से भी बिल्कुल अच्छे से हो गई है। अब इसको हम इस तरह से लेंगे और थोड़ी देर रखेंगे और निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अब दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म करना है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा गेहूं के आटे का बहुत ही ज्यादा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा क्रिस्पी है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और वेजिटेबल से भरपूर है। और आप इसे इस वाली चटनी के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी ये अमेजिंग सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप एक तरह के नाश्ते खा खा के बोर हो चुके हैं तो एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल पड़ी है, वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं है तो आप इस तरह से नाश्ते में उनको दे सकते हैं टिफिन बॉक्स में, लंच बॉक्स में। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के इस रेसिपी को शेयर करना। और इस चटनी को आप 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, रेसिपी ज्यादा अच्छी लगी या चटनी ज्यादा अच्छी लगी। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये मेरा होममेड केचप है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। अब तक इस मजेदार से नाश्ते को बनाइए, खिलाइए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।